हाँ जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट और विजय क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीडियो मेंस के कट ऑफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वीडियो मेंस का एग्ज़ाम आज सुबह ही हुआ है। दोस्तों कट ऑफ के बारे में इसके अंदर आपसे चर्चा करने वाले हैं कि क्या इसकी कट ऑफ रहने वाली है, कितने नंबर पर आने पर आपका सलेक्शन होने की यहाँ पे संभावना है, इसके बारे में आपसे चर्चा करने वाला। बिल्कुल सटीक अनुमान है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर कट ऑफ बताने वाला हूँ दोस्तों। नॉन TSP, TSP, एक्स सर्विस मैन, स्पोर्ट्स की, विडो और इनकी सबकी यहाँ पे कट ऑफ मैं आपसे बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो मेंस की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कट ऑफ मार्क्स है 2022 के, उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। तो इसके अंदर क्या कट ऑफ रहेगी इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। तो यहाँ पर पेपर का लेवल कैसा था? जी हाँ दोस्तों, पेपर का लेवल कैसा था इसके बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों पेपर का लेवल दोस्तों बहुत ही शानदार था, इसमें हार्ड भी थे तो इजी भी थे और मीडियम क्वेश्चन भी थे अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर, सभी की अपनी अपनी तैयारी के अनुसार। किसी के लिए इजी था तो किसी के लिए हार्ड था। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसके अंदर पेपर दिया, 1,75,000 स्टूडेंट्स के अंदर इसने पेपर दिया है दोस्तों। तो पेपर का लेवल भी काफ़ी अच्छा रहा था, शानदार था, सभी के अपने अपने सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए। बाकी किसी के लिए GK ईजी था तो किसी के लिए GK हार्ड था, किसी के लिए मैथ अच्छा था तो किसी के लिए मैथ हार्ड था, किसी के लिए करंट अफेयर यहाँ पर ईजी था तो किसी के लिए हार्ड था, किसी के लिए हिंदी ईजी था तो किसी के लिए हिंदी हार्ड था। तो यहाँ पे दोस्तों पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा रहा है दोस्तों। स्टूडेंट्स का यहाँ पे कमेंट्स आ रहे थे दोस्तों, स्टूडेंट्स के बाद मैसेज आए थे दोस्तों कि यहाँ पे पेपर का लेवल सर काफ़ी शानदार रहा है दोस्तों। इसके बारे में आपसे बात करने वाले हैं कि किस प्रकार यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है, आंसर की कब तक आएगी। दोस्तों आंसर की यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी जो पेपर है, हाल ही में जो पेपर हुए उनके एग्ज़ाम यहाँ पे हुए, तो ज़्यादा इसके अंदर 15 से 20 दिनों के अंदर उनकी यहाँ पे आंसर की यहाँ पे जारी कर दी है। तो दोस्तों 15 से 20 दिन के अंदर अंदर इसकी आंसर की यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों, बोर्ड के द्वारा जो 15 से 20 दिन है इसके अंदर आंसर की यहाँ पे जारी कर दी जाएगी। रिजल्ट की हम बात करें कि रिज़ल्ट कब यहाँ पर आएगा, रिज़ल्ट कब तक आएगा इसके बारे में आप बात करें तो दोस्तों अगस्त से सितंबर के बीच में यहाँ रिज़ल्ट आ जाएगा। अभी हाल ही में जो परीक्षा का आयोजन करवाया गया है उनका रिज़ल्ट भी यहाँ पर जल्दी बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया है। तो यहाँ पे अगस्त या सितंबर के अंदर इसके रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना है। आंसर की इसकी 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी, इससे ज़्यादा यहाँ पर टाइम नहीं लगेगा। और उसके अलावा रिजल्ट जो है अगस्त से सितंबर में आ जाएगा। कट ऑफ क्या रहेगी इसके बारे में आपसे चर्चा करने वाला है कि कट ऑफ यहाँ पर है, ये एक अनुमानित कट ऑफ है दोस्तों, यहाँ पर फाइनल कट ऑफ यहाँ नहीं है। तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ इसके बारे में बात करेंगे, कट ऑफ ऑफ मार्क्स है दोस्तों, यहाँ पर कितने मार्क्स की हम बात करेंगे, कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन है। तो दोस्तों क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे पेपर दिए हैं दोस्तों, तो लेने तो 5,000 के आसपास ही इसके अंदर है, 5,000 पोस्टें हैं तो इसके अंदर ही लेना है। तो कट ऑफ यहाँ पे थोड़ा लेवल तो यहाँ पे जाएगा ही सही दोस्तों। तो जनरल मेल की जो कट ऑफ है उसकी बात करें, 140 से 145 नंबर, अगर 140 से 150 के बीच में जिसके आ रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर सेफ़ है दोस्तों, बिल्कुल सेफ़ है। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपके जनरल मेल के अंदर, जनरल कैटेगरी। तो दोस्तों ये नॉन TSP की कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले नॉन TSP की है दोस्तों, नॉन TSP की कट ऑफ है, सबसे पहले नॉन TSP की कट ऑफ बता रहा हूँ आपको। तो जनरल मेल की कट ऑफ यहाँ पे बता रहा हूँ मैंने 140 से 150 के अंदर। जनरल फीमेल की कट ऑफ आपको बात कर रहा है 130 से 140, अगर आपके अच्छे इतने नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं दोस्तों। ये यहाँ पे फाइनल कट ऑफ नहीं है, एक अनुमानित कट ऑफ है, अलग अलग यूट्यूबर द्वारा अलग अलग यहाँ पे कट ऑफ बताई जाएगी, अलग अलग सर के द्वारा अलग अलग चैनल पर अलग अलग कट ऑफ यहाँ पर बताई जा रही है। ये एक अनुमानित कट ऑफ है दोस्तों, इतना एवरेज तो यहाँ पे रहेगा ही सही दोस्तों कट ऑफ का यहाँ पे, क्योंकि पेपर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने दिए हैं यहाँ पे, तो लेने तो 5,000 के आसपास है, तो यहाँ पे कट ऑफ का इतनी तो यहाँ पे जाएगी दोस्तों कि 130 से 140 मार्क्स की बात बता रहा हूँ, 130 से 140 मार्क्स अगर आप कह रहे हैं तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। OBC मेल की बात करूँ 135 से 145 की है दोस्तों, 135 से 145 की अगर आप आसपास आपके आ रहे हैं तो बिल्कुल आप यहां पे सेफ हो दोस्तों। अगली बात करें OBC फीमेल की, यहां पे कट ऑफ की बात करें OBC फीमेल 125 से 130 की बात करें, 125 से 130 अगर आपके आ रहे हैं दोस्तों OBC फीमेल में की बात बता रहा हूँ, ये 125 से 130 तो बिल्कुल आप यहाँ सेफ है, आगे पीछे भी हो सकता है, ऊपर नीचे 130 से ज़्यादा भी हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे कट ऑफ जो फाइनल है 130 से नीचे भी आ सकता है, 125 से 130 मिनिमम यहाँ पे मैंने बताया कि इतनी यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है दोस्तों, इसकी ये संभावना। EWS मेल की यहाँ पर बात करें 130 से 140। EWS फीमेल की बात करें 120 से 130। EWS फीमेल की 120 से 130। SC ST मेल की यहाँ पर मैंने कंबाइंड बताई है दोस्तों,
115 से 125 के बीच में यहाँ पर रहने वाली है। एससी एसटी फीमेल की 110 से 120 के बीच, इनमें ज़्यादा नहीं, दो पाँच नंबरों का अंतर रहता है दोनों के अंदर, मेल फीमेल के अंदर कट ऑफ में, एससी और एसटी के मेल और फीमेल में ज़्यादा अंतर इनमें नहीं रहता है, 5-7 नंबरों का यहाँ पे फ़र्क है। तो मैंने एक साथ ही अनुमानित कट ऑफ यहाँ पे बता दी कि इसके आसपास रह सकता है, ऊपर नीचे भी इनके अंदर 2-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे कमाइंड कट ऑफ बता दी एसटी और एससी मेल की, यहाँ पे 115 से 125 बिल्कुल यहाँ पे सेफ है। एसटी के अगर भी 115 से 125 आ रहे हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में, यहाँ पे उनका 100% यहाँ पे सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है दोस्तों। इस कट ऑफ के अनुमानित, जो हमने कट ऑफ बताई है अनुमानित कट ऑफ, इस कट ऑफ के अनुसार आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपके बिल्कुल सेफ है यहाँ पे। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किस कैटेगरी से और आपके क्या कट ऑफ आ रही है, टीएसपी है तो टीएसपी, नॉन टीएसपी है तो नॉन टीएसपी, सभी यहाँ पे बताना। स्पोर्ट्स के हैं तो स्पोर्ट्स के, विडो है तो विडो, जनरल मेल फीमेल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, जो भी है आप। एससी एसटी फीमेल की बात करें 110 से 120 की यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस की मैंने कट ऑफ ऊपर बताई दी है, हाँ ईडब्ल्यूएस की बता दी है। अगला है एमबीसी मेल की कट ऑफ यहाँ पे 125 से 135 के बीच में यहाँ पे एमबीसी मेल की है। एमबीसी फीमेल की यहाँ पे 115 से 125 के बिल्कुल यहाँ पे सेफ है दोस्तों, आपका अच्छा स्कोर रहेगा अगर 115 से 125 है तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांस है दोस्तों। यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकती है तो इसके बराबर भी रह सकती है, यह एक अनुमानित कट ऑफ है, सभी के द्वारा अनुमानित कट ऑफ बताई जाती है क्योंकि फाइनल कट ऑफ यहाँ पे कोई नहीं बता सकता। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि किसी ना किसी की कट ऑफ यहाँ पे मिल जाती है कि इतनी कट ऑफ रहती है तो वो यहाँ पे ये रह सकता है दोस्तों। अनुमानित कट ऑफ बताते हैं सब यहाँ पे फाइनल कट ऑफ यहाँ पे, क्योंकि बोर्ड जो देता है वो यहाँ पे फाइनल कट ऑफ रहती है। एक सर्विसमैन की 90 से 95 मार्क्स की बात कर रहा हूँ, एक सर्विसमैन की ये कट ऑफ रहने वाली है। विडो की बात करें, विडो की तो विडो की यहाँ पे 60 से 80 मार्क्स जिसके हैं वो यहाँ पे विडो की यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है। स्पोर्ट्समैन की हम बात करें 110 प्लस यहाँ पे है स्पोर्ट्समैन की यहाँ पे। अब बात करें टीएसपी की, जो कट ऑफ है उसकी बात करें, टीएसपी की बात करें, जनरल मेल की 120 से 130, जनरल फीमेल की 110 से 120, एससी मेल की यहाँ पे 110 से 120, एससी फीमेल की 105 से 115, एसटी मेल की 90 से 100 के बीच में, और एसटी फीमेल की है 85 से 95 यानी 85 से 95 के बीच में यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है। तो दोस्तों ये मैंने ये कट ऑफ जो भी बताई वो टीएसपी की, एक बार फिर से देख लीजिए टीएसपी की, वीडियो पोस्ट करके देख लीजिएगा आपके कि कितने मार्क्स बनने बताए हैं, अगर आपके इतने आ रहे हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे है सही है दोस्तों। जनरल फीमेल की यहाँ पे 120 से 130, फीमेल की 110 से 120, एससी मेल की 110 से 120, एससी फीमेल 105 से 115, एसटी मेल 90 से 100, एसटी फीमेल 85 से 95। तो ये एक अनुमानित कट ऑफ है जो हमारे द्वारा तैयार की गई है दोस्तों, ये मैंने आपको कट ऑफ बता दी है। टीएसपी और नॉन टीएसपी की जो क्या कट ऑफ है उसके बारे में मैंने आपसे बात कर ली है कि टीएसपी की क्या कट ऑफ है और नॉन टीएसपी की क्या कट ऑफ है, इसके बारे में आपसे चर्चा कर ली है दोस्तों। कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बता दिया है, रिजल्ट इसका अगस्त से सितम्बर के अंदर आएगा, रिजल्ट इसके अंदर अगस्त से सितम्बर में आएगा दोस्तों। आंसर की इसकी 15 से 20 दिन के अंदर आ जाएगी, 15 से 20 दिन के अंदर इसकी आंसर की आएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक तो करना ही, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपनी कैटेगरी क्या है, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, कैटेगरी मार्क्स, इसके अलावा आप टी एस पी से हो या नॉन टी एस पी से, ये दोनों में से आप जिसके भी हो आप कैटेगरी वाइज अपनी यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। स्पोर्ट्स वाले बताएंगे, विडो के हैं तो विडो की अपनी कट ऑफ बताएंगे, और एक सर्विसमैन वाले एक सर्विसमैन की बताएंगे। तो यहाँ पे सभी अपनी अपनी जो भी है जिस भी कैटेगरी से अपनी अपने जो मार्क्स है हमारी कट ऑफ के अकॉर्डिंग क्या कितने बैठ रहे हैं, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आप कोई भी अगर डाउट हो कि सर मेरे इतने कम नंबर आ रहे हैं आपकी कट ऑफ से तो मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इसके बारे में भी आपसे यहाँ पे चर्चा कर देंगे। आपको कमेंट बॉक्स में आपको पर्सनली रिप्लाई ज़रूर करूँगा मैं, जो भी आपके मन में डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर इनके बिल्कुल ही डाउन आ रहे हैं नंबर तो आप दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको अभी तक हार नहीं माननी है क्योंकि ये तो खाली एक वीडियो मेंस था। आपको आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम है, रीट की तैयारी कर रहे हो तो रीट वाली फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड अन्य जो एग्ज़ाम है काफ़ी सारी भर्ती आने वाली है उनकी तैयारी आप ज़ोर शोर से करिएगा दोस्तों। हिम्मत मत हारिएगा, अपने आप को
मोटिवेट रखिएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ इस एग्ज़ाम में, नहीं तो अगले एग्ज़ाम में कर सकता हूँ। और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको लिए बहुत अच्छी बात है, वो आगे भी अपनी तैयारी जारी रखे, आगे भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम है, रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, आरएस है, और भी अन्य एग्ज़ाम है, उनकी तैयारी ज़ोर शोर से करिएगा दोस्तों। आपका सिलेक्शन किसी ना किसी एग्ज़ाम में होगा, लेकिन आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको मोटिवेट रखना है। नेगेटिव सोच आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं लानी है, नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल नहीं लानी, आपको पॉजिटिव रखना है कि हाँ आप कर सकते हो, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।